सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, तुम लोगों का कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया टेलीग्राम चैनल का है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमको प्रोवाइड कर दो। तो फाइनली टेलीग्राम चैनल इज हियर, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करो, तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा तुम टेलीग्राम पर जाके भी सर्च कर सकते हो डी टीम नीट, उसमें मैं नीट रिलेटेड कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो उसको यार ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे नोट टेकिंग टेक्निक्स के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे वीडियो डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में। पहले पार्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि अगर तुम्हारे पास इस वक्त नोट्स नहीं है, टाइम की कमी है और तुम नोट्स नहीं बना सकते, तो ऑल्टरनेटिव तुम क्या कर सकते हो। सेकंड पार्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से तुम कैसे इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो, और थर्ड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि अपने मतलब एमबीबीएस के स्टडी में मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ। सो बेसिकली टाइम स्टैम्प्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है अगर हमको नोट्स नहीं बनाना है। हो सकता है कि टाइम की कमी हो, हमको नोट्स बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मार्केट में ऐसा क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है जिसे तुम नोट्स एज इट इज़ रेडीमेड फॉर्म में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बहुत सारे हैंड बुक्स मिलता है, उसके बाद शॉर्ट नोट का बुक्स मिलता है। सो बेसिकली मेरे पास तो ये वाला है टॉपर्स हैंड बुक बाय ऑसवाल्ड बुक्स। सो अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास है तो इनको तुम कैसे यूज़ करोगे। सो बेसिकली ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम का चैप्टर है और ये पार्ट है फाइलम पॉडीफेरा। अब देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो पॉइंट्स है थोड़े जंबल्ड अप है, तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमसे मिस हो जाए। अब इसके लिए डिवीजन नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है, बट अगर तुम इस बुक को फॉलो करते हो, ये देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हैबिटेट का, बॉडी सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी फॉर्म, सारे एकदम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशनड है। इसके बाद अगर तुम जाओगे फाइलम निडेडिया पे, उसके बाद फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस, सारे फाइलम के ऐसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन इस बुक में प्रोवाइडेड है। और तुम अगर देखो कि डायग्राम्स, ये सिमिलर डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मतलब सारा जो इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी से लिया गया है, कुछ भी बाहर का नहीं है इसमें। सो बेसिकली इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे फ्लो चार्ट मिलता है कुछ इस तरीके का, हर एक चैप्टर के पहले पेज में तुम्हें फ्लो चार्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन का साइकिल, उसके बाद तुम्हारा एसेंशियल मिनरल रिक्वायरमेंट, सब कुछ यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अरेंज है। डायग्राम्स एनसीईआरटी से पिक्ड अप है, सारे डायग्राम्स इस चैप्टर का यहाँ पे मेंशनड है, ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी से अलाइनमेंट कभी ना छूटे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुमने 8-9 बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, उसके बाद रिवाइज करना चाहते हो, इसके थ्रू अगर तुम करोगे तो अराउंड 10-15 मिनट्स में तुम्हारा इफेक्टिव रिविजन हो जाएगा। सो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तुम इस तरीके से कुछ फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मैंने तुमको बायोलॉजी वाला दिखाया, इसके अलावा भी इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का वर्षन है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसका जरूरत है तो तुम इसको जाके परचेस कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक का नाम और सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। अब मैं तुमको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ को कैसे आप नोट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी के नोट्स बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जब नोट्स बनाओगे एनसीईआरटी के लैंग्वेज को तुम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस पिकअप किया जाता है, तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज तुम कांस्टेंट रखोगे। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तुमको इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा कि कौन से लाइन को तुम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे, कौन से को नहीं करोगे। तुम पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर तुम्हारे किसी वर्कबुक है उनका क्वेश्चन, कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ तुम्हें मिल जाता है, द एडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच हैव विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एबडोमेन इन मेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम कैसे इंकॉर्पोरेट करोगे, विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एबडोमेन इन मेल्स, मेल्स को ब्रैकेट में यहाँ पे तुमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, सेगमेंट्स यहाँ पे लिखा है, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई हार्ड चिटिनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर, ईच सेगमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स नोन एज स्क्लेराइट्स, और इसको कहा जाता है टर्गाइट्स डॉर्सली, और अगर वेंट्रली है तो स्टर्नाइट्स, दे आर जॉइंट टुगेदर बाई आर्थोडियल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन चिटिनियस प्लेट्स इसको आ जाते हैं, स्क्लेराइट्स डॉर्सल वेंट्रल यहाँ पे पूरा मेंशनड है, और ब्रैकेट में नीचे लिख दिया है जॉइंट बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके का तुम्हें नोट्स बनाना है, एंटायर पैराग्राफ में हर एक लाइन तो कॉपी करने का जरूरत नहीं है। देखो यार बुक से स्टडी करोगे लास्ट टाइम में तो यार तुम्हारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में तुम्हें लाइन को ढूंढना पड़ेगा फिर। सो वीडियो के इस लास्ट पार्ट में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैं अभी एमबीबीएस के स्टडीज को करते हुए अपना नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। और कोई भी टॉपिक उठा लो, एनाटॉमी से, अब ये सुपेक से कोई टॉपिक उठाते हैं, हाँ क्यूबिटल फॉसा फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक क्यूबिटल फॉसा, क्यूबिटल फॉसा मतलब क्या है, तुम्हारा ये जो पार्ट है एल्बो का एंटीरियर पोर्शन, ये जो पार्ट है इस जगह को कहा जाता है क्यूबिटल फॉसा, ठीक है। अब क्यूबिटल फॉसा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी एग्जाम में, ऑफन ये एज अ शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है। सो अगर मुझे क्यूबिटल फॉसा का नोट बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा,
जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसमें तो एक वास्ट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया होता है, मतलब काफी बड़ा इन्फॉर्मेशन होता है उसको। यार तुम एक बार दो बार पढ़ोगे पर एग्जाम से पहले तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि बुक के तुम सारे पेजेस को गो थ्रू करके सब कुछ एकदम पढ़ लो। तुमको एग्जाम से पहले एक कॉन्सेंट्रेटेड बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, उसको तुम बार बार रिवाइज करते रहोगे एग्जाम से पहले। तो बेसिकली यही करना होता है। सो बेसिकली नोट्स कैसे बनाएंगे? सो ये बेसिकली है हमारा नोट। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है क्यूबिटल फोसा का, ये एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, 5 मार्क्स के ऐसे इस रेस्पेक्ट में रहता है। बेसिकली राइट साइड में मैंने इंक्लूड किया है बेसिकली जो चीज़ मैं इस नोट में इंक्लूड करने वाला हूँ, तो डायग्राम होगा, उसके बाद बाउंड्रीज, कंटेंट्स और लास्टली क्लिनिकल एस्पेक्ट। भी आप देखो, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एकदम इस तरीके का एक पूरा डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम से क्या होता है, कई चीज़ एज इट इज़ हमको याद हो जाता है। देखो डायग्राम बना लिया, अच्छे से लेवल कर लिया, रेडियल नर्व, बाइसेप, ब्रैकाई टेंडन, उसके बाद मीडियल नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर दिया। इसके बाद आते हैं बाउंड्रीज पे। बाउंड्रीज, अब ये हो गया तुम्हारा लैटरल साइड, ये हो गया तुम्हारा मीडियल साइड, लैटरल बॉर्डर। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है तुम्हारा क्यूबिटल फॉसा। अब इसका लैटरल बॉर्डर अगर तुम देखो, लैटरल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैचियो रेडियलिस। ये ब्रैचियो रेडियलिस है, इसका मीडियल बॉर्डर से ये बनता है। सिमिलरली इसका मीडियल साइड किससे बनता है, किससे बनता है, ये कौन सा, लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ये लैटरल बॉर्डर है इसका, लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस, इससे बन जाता है। इसके बाद आता है कंटेंट्स। अब देखो कंटेंट्स तो हमें यहाँ से ही पता चल गया क्या क्या है, रेडियल नर्व है तुम्हारा, मीडियल नर्व है, उसके बाद ब्रैकियल आर्टरी है। सो यहाँ पे लिख लिया, और रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। क्लिनिकल एस्पेक्ट पर अगर हम देखें, सो बेसिकली ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मीडियल क्यूबिटल वेन होता है, इससे इंट्रावेनस इंजेक्शन ब्लड सैंपल लिया जाता है। जो ब्रैकियल आर्टरी है, इससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। सो आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो यार वीडियो को जाकर लाइक करो। अब यार लाइक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो यार सिर्फ व्यूज़ के काउंट से तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ इतने लोगों ने देखा है, 1,000 2,000, पर यार लाइक से तुम्हारा रिस्पॉन्स मिलता है मुझे कि तुमको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। तो अब यार तुम्हारा रिस्पॉन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगा तो अगले वीडियो पर मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो। कुछ अगर तुमको जानना है या कुछ या इसके ऊपर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो। बस आज के लिए यही तक, मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।